हेलो, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑल्फैक्टरी डिल्यूजन्स के बारे में। ये एक प्रकार का पक्का विश्वास रहता है और पक्का विचार रहता है कि उसके नाक में से या उसके मुंह में से बदबू आ रही है, या वो जो गैसेस पास कर रहा उसको बहुत ही ख़राब बदबू है, या उसके कांक से या उसके चमड़ी से जो पसीना निकल रहा है उसको बदबू आ रही है, उसके बॉडी से बदबू आ रही है, ऐसा उसका पक्का विश्वास रहता है। ऑल्फैक्टरी डिल्यूजन रहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी डिल्यूजन में एक 25 साल का लड़का मेरे पास में आया, उसको बार बार ऐसा ये हो रहा था, विचार आ रहा था और उसको ऐसा बास आ रहा था कि उसके मुंह से खराब बास आ रहा है, और वो विचार आता है और उसको लगता ही है, उसको पक्का विश्वास है खराब बास आ रहा है। उसको सबने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मानने को तैयार नहीं, इतना कि वो बास जाने के लिए फिर वो इलायची खाएंगा, कार्डियामॉम, या फिर खर्रे खाएंगा, सुपारी खाएंगा, अलग अलग तरह की, और कोई स्वादयुक्त तो कोई और कुछ खाएंगा जिससे मुँह का स्वाद जो गंदा आ रहा है वो आएगा नहीं। उसको सुपारी और खर्रे खाते खाते सबलिंगुअल फाइब्रोसिस हो गया, मुँह उसका खुलना बंद हो गया, बड़े मुश्किल से एक उंगली उसके अंदर जा रही, मतलब इतना सारा ये प्रॉब्लम तैयार हो जाता है और इतना पक्का विश्वास होता है। ये आदमी फिर धीरे धीरे अकेला अकेला रहना पसंद करता है, लोगों में मिलता नहीं, उसको लगता है कि लोग टाल रहे हैं उसको, लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उसे दूर जाते हैं, इसलिए वो खुद जाता नहीं है, अकेला रहना पसंद करता है। अकेला अकेला रहेगा तो फिर ज़्यादा मानसिक टेंशन और आता है, उसमें और नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो ये जो ऐसे लोग हैं कि जो अपने समाज में हैं, उनको ऐसे ही कोई सनकी है या ऐसा कुछ तो विचार करता है, ऐसे अपन करके सोच तो छोड़ देते हैं, तो ऐसा न करते हुए उनको जो ट्रीटमेंट दे दिया ना तो अच्छा हो सकता है। ये लड़का जो मेरे पास में आया था 25 साल का, उसको हमने दवाई दिया, एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोटिक्स कुछ दवाई है उसमें कि उसको निकाल के दिया, और वो काफ़ी धीरे धीरे उसका वो जो बास आ रहा वो निकलना चालू हो गया, वो ख़राब जो बास आ रहा था वो भी ठीक होना चालू हो गया और अच्छा जीवन वो जीना चालू कर दिया। तो वीडियो आपके सबके सब मतलब फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, ताकि लोग जो बोलते नहीं हैं ऐसा, डॉक्टर के पास में जाते नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं है, तो वो जाएंगे उनका इलाज करेंगे, ताकि उनको एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आ जाएगा। तो जरूर वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, आप कोई भी मानसिक प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ में ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं, हमारे नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए, और आपकी कॉमेंट्स भी आप देते हैं तो वो भी अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।